हेलो, मुझे कहते हैं जी हीरा मानी। सो दिस इज़ इमेल और मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक लग्जरी स्किन ब्रांड है और ये मेरा फेवरेट है। जितनी भी ख़वातीन मुझे देखती हैं और मुझसे बात करना चाहती हैं तो मैं उनसे मुखातिब होंगी, उनको बताऊँगी कि अपनी स्किन रूटीन में आपने क्या करना है और मेकअप से ज़्यादा स्किन अजीज़ होनी चाहिए हम सबको। वेलकम, लेट्स टॉक अबाउट इट। इसकी खास बात यह है कि ये जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलके ये प्रोडक्ट बनाई गई है और ये हाई एंड कंपनी है, क्योंकि स्टोर्स पे आपको ना हर तरह का ब्रांड मिल जाता है, बड़ा इजीली अवेलेबल होता है, बट वो आप एक दफ़ा लगाते हैं दूसरी दफ़ा आपकी वो अलमारी में वैसी पड़ी रहती है। तो ये वो नहीं है, ये आप इसको यूज़ करेंगे और ये एंटी एजिंग जिसको कहते हैं वो है। और आई नो हम कुछ ऐसे मिथ्स की तरफ भी जाते हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं होते, बट क्योंकि ये ब्रांड मैंने यूज़ किया है और इसीलिए मैं जितनी भी मेरी ख़वातीन मुझे देखती हैं, मुझे फॉलो करती हैं, मैं चाहती हूँ यार आप सबके लिए भी कुछ अच्छा करूँ। ओके, तो मैं इसको अब खोलने लगी हूँ। मैं बताती चलूँ कि इस ब्रांड को जो सबसे अलग करती है, जो सबसे डिफ्रेंशिएट करती है, वो है इसकी क्वालिटी। क्वालिटी मैटर्स, क्योंकि स्किन है ना, स्किन पर हर कुछ नहीं लगाया जा सकता। अब हम कितने सारे पैसे खर्च करते हैं फेशियल्स पे और हम मेकअप प्रोडक्ट्स पे, लेकिन अगर हम ये सोचें कि स्किन हमारा एक ऑर्गन है और वो सही रहना बहुत ज़रूरी है, और वो हर कोई सही नहीं रख सकता ना, तो कुछ ही ब्रांड्स हैं जिसमें से ये एक बेस्ट ब्रांड है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये आपको हेल्प करेगा। तो मैं एंटी एजिंग पे बात करूँगी कि देखिए, एक नेचुरल चीज़ है, ये तो होगा, उम्र नहीं रुक सकती, उम्र बढ़ती रहती है और वो बढ़ती जाती है, लेकिन हम जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जो चीज़ मैंने नहीं की मैं चाहती हूँ कि आप करें, हम 40s में जाके और प्लस 45 में जाके हम ये क्यों सोचते हैं कि यार अब क्या होगा, अब तो जाके कुछ और ही कराना पड़ जाएगा, फिर बहुत सारी मशीन्स और बहुत सारी ऐसी इन्वेसिव प्रोसेस है जिन पे से हमें गुजरना पड़ता है, जो हमें नहीं भी दिल जाता लेकिन हमें करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि हम जब 26, 27 ये वाली एज जिसमें आपको लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा एंड तक, लेकिन वो नहीं रहता, तो हमें वो क्लॉक तो चलती रहती है, लेकिन हमें अपनी स्किन को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं चाहती हूँ कि आप करें और मैंने भी की थी। लेकिन हमारे टाइम पर, क्योंकि मैं शेयर भी करती हूँ, ऐसी क्रीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिनमें मर्करी यूज़ होता है और हमें 2 हफ्ते तक तो हम बहुत गोरे हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार ये तो मैजिक हो गया। मतलब शादी के टाइम पे शायद मैंने भी यूज़ की होगी और मेरी जितनी कज़न्स हैं उन्होंने भी की होगी और जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं उन्होंने भी की होगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको एक्सपोजर के साथ आपको समझ आती हैं जब आप लाइफ में घूमते हैं फिरते हैं, आप दुनिया में घूमते हैं, तो फिर आप कुछ सीखते हैं। तो जब मैंने सीखा तो मेरा दिल किया कि मैं अपनी लड़कियां जो मुझे, जो मेरी फैंस हैं, जो देखती हैं मुझे, फॉलो करती हैं, उनको भी क्यों ना मैं एक अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस कराऊं जो जो उनके लिए बहुत बेहतर होगा, जो उनके बहुत महंगे मेकअप से बहुत बेहतर होगा। तो वो क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं बट वो उसमें मर्करी डाला जाता है, आपके वो बाल आने शुरू हो जाते हैं मुँह पर जो नहीं आने चाहिए, जो फिर हम कहते हैं यार इतने हेयर ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि वो हेयर ग्रोथ के साथ साथ आपकी स्किन के पोर्स ख़राब कर देती है, आपको आपको अजीब से दाने शुरू हो जाते हैं और एक गंदे तरीके के पैच बनने शुरू हो जाते हैं आपके फेस पे, क्योंकि आपका सन एक्सपोजर तो है, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे सन एक्सपोजर हमारा है और शदीद है, तो वो डायरेक्ट हमें हमें नहीं पता, सन ब्लॉक का नहीं पता लड़कियों को, तो सन ब्लॉक को कुछ रूटीन है, डेली रूटीन है जो हमें अपनी स्किन के लिए करनी चाहिए। और आई नो ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि ईजीली अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक हाई एंड ब्रांड है, और मुझे लगता है कि इस पर इन्वेस्ट करें क्योंकि अपनी स्किन आपके हाथ में यार, आपको प्रिजर्व करनी होगी, कोई और आके नहीं करेगा। अच्छा, जब आप मार्केट में जाते हैं तो हम जब एंटी एजिंग क्रीम ढूंढने जाते हैं तो एक क्रीम हम देखते हैं, कहते हैं यार ये अच्छी है, ये रिंकल्स ठीक करेगी हमारे, फिर हम कहते हैं यार पोर्स का क्या होगा, पोर्स के लिए फिर हम दूसरी प्रोडक्ट पर जाते हैं, चलो भाई पोर्स ये इससे ठीक होंगे, फिर हम कहते हैं यार हाइड्रेट करने के लिए एक और प्रोडक्ट, तो हम इतनी फास्ट लाइफ में हम मतलब 5 प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते। कभी मैं भी जब मेकअप करके शूट पे होती हूँ, फिर जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे होता है यार ये 4 चीज़ें, ये हाइड्रेट करेगी, ये पोर्स ठीक करेगी, ये रिंकल ठीक करेगी, ये डार्क सर्कल ठीक, तो
ये जो इस क्रीम की क्वालिटी है इस ब्रांड की, वो ये है कि ये ऑल इन वन है. ऑल इन वन में जो सुकून है ना, वो किसी चीज़ में भी नहीं है. एक दफ़ा आप ये क्रीम लगाएं और आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहेगी, आपकी स्किन के पोर्स भी ठीक होंगे, रिंकल्स भी ठीक होंगे, और बेसिकली ये एंटी एजिंग है और हमें इसकी ज़रूरत है. तो एजिंग के साथ साथ जो हमारे कंसर्न्स होते हैं हम औरतों के, एक तो रिंकल्स मेन सबसे बड़ा हमारा एक प्रॉब्लम है. पिगमेंटेशन हो गई, ब्लैक स्पॉट्स हो गए, आपकी स्किन का टेक्सचर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होता है और आपको अच्छा नहीं लग रहा होता. डेफिनेटली सब हर औरत, चाहे वो जिस उम्र की हो, वो खूबसूरत लगना चाहती है और वो अपनी स्किन को प्रिजर्व करे तो बहुत ही अच्छा है. तो ये वो क्रीम है जिसमें आपके सारे मसलों का हल है. तो क्या ही बात है ना, ऑल इन वन है. और ये एक नाइट क्रीम है, तो जब आपने अपने फेस को पूरा क्लेंस कर दिया उसके बाद आपको ये क्रीम लगानी है और आप उठेंगे और आपको लगेगा कि आप नहीं नहीं एक दिन में नहीं होगा ना, ये आपको यूज़ करते रहना है और इसके रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे डे बाय डे, डे बाय डे. और आप दुआएं देंगे मुझे. तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं अब करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ काफ़ी फेस की है और मैं कर भी रही हूँ. हाथ आपकी ज़िंदगी के एक दो ऐसे औरतों के और लड़कियों की एक ऐसा आपका साथी है जो हमेशा आपके साथ है और आप जब भी बात करते हैं तो वो नज़र आते हैं. अच्छा, मैं जब शुरू में प्लेस करती थी तो अमूमन मेरे मुंह पे बहुत मेकअप होता था और जब मैं अपने हाथ ऊपर लेकर आती थी तो वो एक शदीद डिफरेंस होता था मेरे स्किन पे और मेरे हाथ पे. तो ये चीज़ क्योंकि मैंने लर्न नहीं की, मैंने मेरे बच्चे हुए, उनके डायपर चेंज किए, बर्तन धोए, कपड़े भी धोए. यार एक टाइम पे मेड्स नहीं होती थी तो मैं कपड़े भी धोती थी और बर्तन भी धोती हूँ, अभी भी धोती हूँ. तो उन ख़वातीन के लिए ये क्रीम मैजिक है. सबसे पहले तो ये एक एंटी एजिंग क्रीम है जो हाथों की एज है ना आपकी, उसको छुपाने के लिए बहुत काम आएगी, ट्रस्ट मी. और सेकंड बात ये बहुत इंपॉर्टेंट कि पानी में तो देखें आप हाथ डालते हैं, हाथ तो आपको धोने ही होते हैं, बर्तन भी धोने होते हैं, कपड़े भी धोने होते हैं, लेकिन ये इसकी कमाल बात ये कि ये अगर आप क्रीम लगाते हैं जो एंटी एजिंग क्रीम है, ये आपकी स्किन का मॉइस्चर ख़त्म नहीं करती पानी में हाथ डालने से, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रखती है और आपकी स्किन को रिंकल्स फ्री रहने देती है. क्योंकि वो डेफिनेटली आप पानी में इतना हाथ डालते हैं तो वो होता है ना कि आप कोई भी क्रीम लगाते हैं वो पानी से धुल जाती है, वो पानी के साथ उतर जाती है. बट इस प्रोडक्ट की बेस्ट बात यह है कि ये आपकी स्किन में रहती है और ये आपकी स्किन का मॉइस्चर ख़राब नहीं करती है, मतलब यस. और एट द एंड हैंड क्रीम है तो आपके नेल्स के जो क्यूटिकल्स हैं, जो आपकी नेल्स की ड्राइनेस होती है इर्द गिर्द, जो आप हर वक्त पेडीक्योर या मैनीक्योर कराते हैं, उससे भी आप बच जाएंगे और ये आपके नेल्स को भी बड़ा शाइनी, बड़ा मैनीक्योर फील देती है. तो बड़ी ईजी, बड़ी प्यारी सी, छोटी सी क्यूट सी बॉटल है, बैग में डालें चले जाएं और बैग से निकालें, हाथ में लगाएं फिर बैग में डालें, क्यूट है ना. आजकल सीरम्स का बहुत ट्रेंड है भाई, और लोग जैसे विटामिन सी लेते हैं, एक हाइलुरोनिक एसिड लगाते हैं, हर सीरम के डिफरेंट डिफरेंट फंसाया हुआ है लोगों ने, आप लोगों को पता है. और इस ब्रांड की खास बात यह है कि एक स्किन कंसर्न का एक ही सोल्यूशन. तो जैसे आप ब्राइटनिंग के लिए मुख्तलिफ सीरम अपने मुंह पे इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस एक ही बॉटल में आपको सारी वो चीज़ें मिलेंगी जो हम अलग 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 बॉटल्स ख़रीदते हैं सीरम की. इसमें है जी हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, अल्फा आर्बुटिन, मैप्सैप. तो इस सीरम में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हाँ दाग धब्बों को भी ख़त्म करता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. वाओ, तो फाइनली स्किन ब्राइटनिंग है ना, तो स्किन ब्राइटनिंग का एक ही सोल्यूशन है जिसमें सब कुछ मौजूद है. सिंपल करें लाइफ को ईजी. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितनी भी ख़वातीन मुझे देख रही हैं जो बहुत मासूम सी हैं, जिनको नहीं इतना एक्सपोजर, जिनकी बेटियां अकेले ही सारी स्किन प्रेप करके बैठी होती हैं, तो प्लीज़ अपनी अम्मियों को भी दिखाइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं भी अपनी बिजी लाइफ में इतनी अपनी अम्मी को इंट्रोड्यूस नहीं करा पाती चीज़ें, तो वो जो अभी मुझसे सीख रही हैं प्लीज़ वो ट्रांसफ़र करें, बताएं अपनी पप्पो को भी, अम्मी को भी, खाला को भी, कि स्किन रूटीन कितना इम्पॉर्टेंट है और वो किस तरह से होता है मेन
मेन बात कि वो किस तरह से होता है। तो पहले सबसे पहली चीज आपने करना है अपनी स्किन को क्लेंस, अच्छी तरह अपने मुंह को आपने धोना है। और ऐसे नहीं धोना कि वो, ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने भी यूज़ किए हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि वो आपकी स्किन को इतना ड्राई कर देते हैं कि उसके बाद फिर आपकी स्किन इतनी पैची, और फिर आप उस पर जब कोई और मॉइस्चराइजर या कोई और चीज़ लगाते हैं तो वो आपको जलन करता है, ऐसा होता है। बट ये एक कमाल ब्रांड है हाई एंड ML, जो आपकी स्किन को बड़ा सॉफ्टली क्लेंस करेगा और आपको एक बहुत अच्छा फेस का टेक्सचर फील होगा कि यार हाँ यार आज मुंह धुला है तो ऐसे खिंच नहीं रहा हूँ, एक नर्म सी फीलिंग होगी। तो आपने कर लिया अपने फेस को क्लेंस, फेस वॉश पहला स्टेप है कि सबसे पहले आपने अपना मुंह धोया, उसके बाद लगता है सिरप। और ये सिरप मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किस किस तरह वो आपकी स्किन के डैमेजेस को कंट्रोल करेगा। हम हर डैमेज तो कंट्रोल कर रहे होते हैं घर में ना, कोई चीज़ टूटे ना, बर्तन सही से रखें, यू नो मियाँ के कपड़े इस्त्री हों, बच्चों की तैयारियाँ पूरी हों, लेकिन अपनी स्किन का कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। तो ये एक कमाल प्रोडक्ट है और इसके फ़ायदे भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सेकेंड चीज़ है जी सिरम, और उसके बाद आता है जी मॉइस्चराइज़र, और ये है जी ML की डे क्रीम, जिसमें आप जब ऑफिस के लिए जाते हैं या जो लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, या जो एक्टिंग करने जाती हैं, वो ये डे क्रीम यूज़ करें। और ये डे क्रीम है एंटी एजिंग, और ये आपकी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज रखेगी और आपको सन एक्सपोजर से भी बचाएगी। तो ये तीसरा स्टेप है, फेस वॉश, सीरम, डे क्रीम। बहुत मज़ा आया, रब्ता बहुत ज़रूरी है, और इस तरह बात करना अपने ऑडियंस के साथ, डायरेक्ट कनेक्ट करना। और इसी नोट पे मैं इस चीज़ को एंड करूँगी कि मैं आप सबके लिए भी बहुत केयर करती हूँ, और डेफिनेटली आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, TV पे मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को जो भी चीज़ मैं अपनी लाइफ में सीख रही हूँ वो आपकी तरफ कन्वे करूँ, और आप लोग उससे जितना लर्न कर सकते हैं। और आगे जाके मेरे पैनल पे डॉक्टर्स भी होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं इंट्रोड्यूस करूँगी। दिस इज़ ML में, और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ा आया ना? बहुत मज़ा आएगा, देखते जाएं, सीखते जाएं, मैं भी सीख रही हूँ, मिलके सीखेंगे।